कर लेते हैं रायपुर से मिल रही है। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। वैक्सीन आएगी फिर टीकाकरण शुरू होगा। उन्होंने कहा 146 विकास खंडों में कैसे टीकाकरण शुरू हो पाएगा, आपको अलादीन का जादुई चिराग कहां से मिला, सवाल किया है उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को क्या समझते हैं। सेस के 400 करोड़ पर भी जवाब मांगा है। आज दोपहर 2 बजे से 18 से ज्यादा उम्र वालों का टीकाकरण शुरू होना है। तो बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है, सरकार पर निशाना साधा है, कई सवाल किए हैं। चुटकी लेने के लिए खासे जाने जाते हैं अजय चंद्राकर, और यहां पर भी उनका एक वही अंदाज दिखाई दे रहा है। वैक्सीन आएगी फिर टीकाकरण शुरू होगा। 146 विकास खंडों में कैसे टीकाकरण शुरू हो पाएगा, उन्होंने कहा आपको अलादीन का जादुई चिराग कहां से मिला। तो टीकाकरण पर सियासत तेज है क्योंकि आज से टीकाकरण शुरू होना है। दोपहर 2 बजे से 18 से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण शुरू होगा, तो उसको लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है, प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से सवाल किया है उन्होंने। तो सेस के 400 करोड़ पर भी उन्होंने जवाब मांगा है। चलिए हमारे साथ अमित श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। अमित जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका बंसल न्यूज में। अमित जी आप सुन पा रहे हैं, चलिए उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ले अमित जी आप सुन पा रहे हैं, चलिए थोड़ी तकनीकी खामियां हैं लेकिन जल्द उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल आज दोपहर 2 बजे से 18 से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू होना था। चलिए एक बार फिर हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। अमित जी आपका बहुत स्वागत है। अमित जी हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं अमित जी? जी जी प्रेरणा जी, आवाज आपकी आवाज। चलिए सवाल भी मेरा भी वही है कि अब 2 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होना है, जानकारी ये मिल रही थी, तैयारियां अधूरी है। अमित जी क्या कहेंगे? जी देखिए, भाजपा कोरोना काल में भाजपा के सिर्फ दो ही सूत्र हैं, आपदा में अवसर और मातम में उत्सव। भाजपा जिस प्रकार से अजय चंद्राकर ट्वीट करते हैं और कह रहे हैं आपको अलादीन का चिराग कहां से मिल गया और क्या छत्तीसगढ़ की जनता को आप क्या समझते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने जब ये घोषणा की थी कि 18 प्लस वालों को जो टीकाकरण होगा, तो क्या किसी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करी थी क्या? नहीं किया था। और जिस प्रकार से हम तो पूरी तैयारी करके बैठे थे, प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश था हम उनको ये मान के चल रहे थे, लेकिन अचानक से ये कहना कि टीका का पूरा खर्चा केंद्र राज्य सरकार उठाएगा, हम उसमें भी तैयार थे। लेकिन जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी को जो ट्वीट वो कर रहे हैं, अजय चंद्राकर जी क्या बेहतर होता कि वो प्रधानमंत्री को ट्वीट करते और ये कहते कि छत्तीसगढ़ को जो हमने टीके का ऑर्डर दिया है वो टीका दिलाने में मदद करवाते तो ज्यादा बेहतर होता। आज आप देखिए कि जिस प्रकार से केंद्र की गलती का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, और अजय चंद्राकर जी के लिए तो मुझे इतना ही कहना है कि साहब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है। और आप देखिए जिस प्रकार से आज भाजपा के लोग सोशल मीडिया से पोस्ट हटवा रहे हैं, मरीजों की संख्या छुपा रहे हैं केंद्र में, और शमशान घाट में जलती हुई लाशों की संख्या वो छुपा नहीं पा रहे, ये दुख का विषय है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले प्रज्ञा जी अगर वन प्राइस की बात नहीं की, अजय चंद्राकर जी अगर उस पर कोई ट्वीट करते तो ज्यादा बेहतर होता। छत्तीसगढ़ की जनता सारी चीजों को समझ रही है, और आज देश में जो हम देख रहे हैं कि रोज नए रिकॉर्ड कोरोना के बना रहे हैं, लेकिन अगर उस पर बीजेपी के लोग सीरियस नहीं है और सिर्फ जिस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं ये दुख का विषय है। आज आपदा के समय में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अगर भाजपा के लोग भी खड़े होते तो ज्यादा बेहतर होता। चलिए प्रयास यही रहेगा आपका भी, शायद मुझे लग रहा है कि 2 बजे से वैक्सीनेशन पूरी तरह से शुरू हो सके। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि टीकाकरण पर सियासत छत्तीसगढ़ में तेज हुई है, सवाल किए हैं बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने, हालांकि कांग्रेस ने भी पलटवार किया है, आपने भी सुना।